प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपको खाद के बारे में मैंने आप बताया था। खाद की क्या परिभाषा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब मैं पिछली कक्षा का थोड़ा बहुत रिपीट करूँगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने खाद की परिभाषा बताई थी कि खाद वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, स्थूल प्रकृति के होते हैं, उनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और पौधों तथा जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट्स से तैयार किए जाते हैं। अब इसमें कैपेबल ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, इन अवेलेबल फॉर्म, तो ये शब्द और जोड़ देते हैं तो एक खाद की पूरी परिभाषा होगी। अब इनका क्या महत्व है, खाद का क्या रोल है, तो इसमें सबसे पहला रोल तो ये है कि खाद है वह पौधे के लिए भोजन का स्टोर हाउस है, यानी सब तरह के न्यूट्रिएंट्स पौधे को उपलब्ध करवाता है। उर्वरक हैं वह एक या दो पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, जैसे यूरिया है वह सिर्फ नत्रजन उपलब्ध करवाता है, डीएपी है वह नत्रजन और फास्फोरस उपलब्ध करवाता है, परंतु खाद ऐसा सोर्स है पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स का जो सब तरह के न्यूट्रिएंट्स पौधों को उपलब्ध करवाता है, भले ही वह मेजर न्यूट्रिएंट्स हो, भले ही प्राइमरी सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पौधों को खाद के द्वारा उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये पौधों के लिए भोजन का स्टोर हाउस है। दूसरा, ये भूमि की भौतिक दशा को सुधारता है। फर्टिलाइजर कभी भी भूमि की भौतिक दशा को नहीं सुधारता है, परंतु खाद है ये गलने सड़ने के बाद में एक फाइनल प्रोडक्ट ह्यूमस तैयार होता है और इस दौरान जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनकी संरचना में मदद करता है खाद, और ग्रेन्यूल्स बना लेता है। ग्रेन्यूल्स की वजह से सॉइल में हवा और पानी का आवागमन बड़ा अच्छी तरह से हो जाता है और ये भौतिक दशा बहुत अच्छी कर देता है, इम्प्रूव कर देता है सॉइल की। इसी तरह से खाद है वह कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC, धनायन विनिमय क्षमता, इसको बढ़ा देता है। धनायन विनिमय क्षमता बढ़ने से क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व हैं वह मिट्टी के कणों के क्ले पार्टिकल्स के माइसीले के चारों तरफ एडजॉर्ब हो जाते हैं और लीचिंग के द्वारा उनका नुकसान नहीं होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, जल धारण क्षमता मृदा की बढ़ा देता है। जल धारण क्षमता बढ़ाने से क्या होता है कि मिट्टी है वह पानी को ज़्यादा मात्रा में पकड़ के रखती है और लंबे समय तक पौधों को पानी मिट्टी के द्वारा उपलब्ध होता रहता है। सिंचाई का अंतराल बढ़ जाता है ऐसी मृदाओं में जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है खाद। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, पीएच को बदलाव में रेजिस्टेंस जो क्रिएट करता है सॉइल, उसको बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब कोई भी एसिड या अल्कली थोड़ी सी मात्रा में डालने से मृदा की पीएच में बदलाव नहीं होता है, तो ऐसी कैपेसिटी को बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। खाद की वजह से मृदा की बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर ये जिस तरह से पौधों को भोजन उपलब्ध करवाता है, उसी तरह से जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए भी भोजन का और एनर्जी के स्रोत का काम करता है। और ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है, फंजाई है, एक्टिनोमाइसिटीज हैं, ये इनको जब भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है मृदा में,
और इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। फिर उर्वरक डालने से पोषक तत्व का नुकसान हो सकता है, लीचिंग के द्वारा हो सकता है, वोलेटाइलाइजेशन लॉसेज के द्वारा हो सकता है, परंतु मैन्योर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है और ये आसानी से पोषक तत्वों को रिलीज नहीं करता, धीरे 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 पोषक तत्वों को रिलीज करता है। इसलिए जो नुकसान होता है पोषक तत्वों का मिट्टी में, वह भी बहुत ही नहीं के बराबर होता है इसकी वजह से, क्योंकि वह धीरे धीरे पोषक तत्व रिलीज करता है। फिर इसके सड़ने गड़ने की प्रक्रिया से ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं विशेषकर जो क्षारीय मृदाएँ हैं उनकी पीएच को कम करने में सहायक होते हैं। इस तरह से इसका बहुत महत्व है, इसको आप मैन्योर्स का रोल भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, यूजफुलनेस भी कह सकते हैं। तो ये किसी भी तरह से आ सकता है, यदि आपकी समझ में आ गया है तो किसी भी तरह से ये प्रश्न आए आप इसको लिख सकते हैं। अब पिछले क्लास में मैंने इनका वर्गीकरण भी बताया था कि मैन्योर्स का किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और गुआनो चार भागों में बांटा था, परंतु कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको सिर्फ मैन्योर्स को दो भागों में ही मिलेगा, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। जो दो इसके अलावा मैंने आपको बताए थे, ग्रीन मैन्योर और गुआनो, वह इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ग्रीन मैन्योर बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर की कैटेगरी में आ जाता है और गुआनो है वह कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि ग्रीन मैन्योर में जो लो एनालिटिकल वैल्यू का है ग्रीन मैन्योर, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तो ये बल्की में आ गया। गुआनो में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में आ गया। तो कुछ बुक्स में आपको मैन्योर को सिर्फ दो भागों में बांटा हुआ मिलेगा, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से होते हैं? जिन ऑर्गेनिक मैन्योर्स में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, तो इस तरह के मैन्योर बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाते हैं। परंतु जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है वह कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक कार्बन, ये दो इम्पोर्टेंट हैं जो कैटेगरी। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा होती है, इनमें ऑर्गेनिक कार्बन कंपैरेटिवली कम होती है। इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, इसमें कंपैरेटिवली पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आप इनका अंतर कर सकते हो, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का। अब बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो वेल डिकम्पोज्ड हैं, पूरी तरह से गल सड़ के तैयार हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर जो पूरी तरह से गल सड़ के तैयार नहीं है, जैसे ग्रीन मैन्योर है वह अनडिकम्पोज्ड होता है, उसको जब मिट्टी में मिलाया जाता है, मिट्टी में मिलने के बाद में डिकम्पोजिशन शुरू होता है, जबकि दूसरे हैं FYM है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है, ये खेत में मिलाने से पहले ही अच्छी तरह से सड़ गल के तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको हम डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर कह सकते हैं, इसको हम अनडिकम्पोज्ड बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर कह सकते हैं। तो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर्स का उदाहरण क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम गोबर की खाद बोलते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट। गोबर गैस से, प्लांट से जो स्लरी निकलती है, गोबर स्लरी निकलती है, वह भी इसी कैटेगरी में आती है डिकम्पोस्ट, क्योंकि डाइजेस्टर में उसका डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद में स्लरी निकलती है, उसको डायरेक्ट खेत में डाल सकते हैं। तो गोबर गैस की स्लरी भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। अनडिकम्पोज्ड में ग्रीन मैन्योर या लीफ मैन्योर आते हैं, तो ये अनडिकम्पोज्ड होते हैं। ये भी दो तरह से डाले जा सकते हैं, इन सीटू डाले जा सकते हैं या एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जिस ग्रीन मैन्योर फसल को खेत में उगाई है, जिस खेत में उगाई है उसी में पलट देते हैं, तो वह इन सीटू हो गया।
और कई बार दूसरी जगह से लाके पत्तियां और टहनियां कोमल पौधों की और वह फिर खेत में डाल देते हैं, खेत में पलट देते हैं उसको, तो वह एक्सीटू हो गया। इसी तरह से ग्रीन मैन्योर को वैसे भी क्रॉप्स के आधार पर भी दो भागों में बांट सकते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स का ग्रीन मैन्योरिंग और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स का ग्रीन मैन्योरिंग। लेग्यूमिनस क्रॉप्स यानी दलहनी फसलें, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स मानी अदलहनी फसलें। दलहनी फसलों में कौन कौन सी हैं, जैसे डेंचा है, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक मैन्योर क्रॉप है डेंचा है, गुआर है, सन हेम्प है, ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स आते हैं। और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स में ज्वार है, बाजरा है, इनको भी खेत में मिलाया जा सकता है, हालांकि इनमें उतनी नत्रजन नहीं मिलती है जितनी कि दलहनी फसलों में नत्रजन मिलती है, इसलिए हमेशा लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रीन मैन्योर में काम लेना ज़्यादा लाभदायक है। फिर कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, ऑयल केक्स हैं, ब्लड मील है, मीट मील है, फिश मील है और गुआनो है। तो ये सही मायने में ये जो तीन पार्ट हैं, ब्लड मील, मीट मील, ये तो स्लॉटर हाउस का वेस्ट है, कसाई खाने में जो पशुओं को काटने के बाद में उसका ब्लड आ जाता है उसको इकट्ठा कर देते हैं, सुखा लेते हैं, उसमें नत्रजन फास्फोरस पोटाश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको भी मैन्योर के रूप में काम में लेते हैं। इसी तरह से जो बचा खुचा मीट का पार्ट है उसको भी, वह भी वेस्ट पार्ट है, उसको भी खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये स्लॉटर हाउस का वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर समुद्र से मछलियां हैं, मरी हुई मछलियां हैं, उनको भी, या मछलियां खाने के बाद में उसके दूसरे पार्ट्स रह जाते हैं, उसको खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। इसी तरह से समुद्र में जो पक्षी होते हैं उसकी एक्सक्रीटा है और उनकी डेड बॉडीज हैं, उनको भी मैन्योर के रूप में काम में ले सकते हैं, उसको गुआनो बोलते हैं, GUANO गुआनो। तो ये जो हैं ये कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में आते हैं, इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ऑयल केक्स को फिर दो भागों में बांट सकते हैं, एडिबल ऑयल केक्स और नॉन एडिबल ऑयल केक्स। एडिबल ऑयल केक्स वह होते हैं जिसको पशु आहार में काम में लेते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल केक है, ग्राउंडनट ऑयल केक है, सीसेमम ऑयल केक है, इनको पशु खाते हैं और पशुओं की के पोषण के लिए काम आता है, पशुओं को दूध बढ़ाता है, पशुओं को ताकत प्रदान करता है, इसलिए एडिबल जो ऑयल केक्स हैं उनको मैन्योर के रूप में काम में नहीं लेते हैं, पशु आहार के रूप में काम लेते हैं। परंतु नॉन एडिबल ऑयल केक्स हैं उनको खाद के रूप में काम में लेते हैं, जैसे नीम केक है, महुआ केक है, करंज केक है, KARANJ करंज, सेफ्लावर केक है, इनको खाद के रूप में काम में ले सकते हैं। और इनमें सब में ही नत्रजन फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट हैं, नत्रजन फास्फोरस पोटाश हैं, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर तीसरी बात कि फार्म यार्ड मैन्योर, जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में सबसे पहला एग्जाम्पल आपको FIM का दिया, गोबर की खाद। गोबर की खाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा खाद के रूप में काम में ली जाती है, क्योंकि हमारे देश में पशुओं की संख्या काफ़ी है, काफ़ी गोबर होता है, हालांकि बहुत सारा गोबर है वो जलाने के रूप में काम में ले लेते हैं, उसके बावजूद भी गोबर की खाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसलिए सबसे पहले मैं गोबर की खाद किस तरह से तैयार करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पिछली बार भी आपको कुछ पार्ट इसका बता दिया था, जैसे गोबर की खाद में कौन कौन से अवयव होते हैं, गोबर की खाद का संगठन क्या है और किस तरह से इसको तैयार की जाती है। आमतौर पर आप देखते हैं गाँव में जो गोबर की खाद है वह पशु बाड़े के बाहर डाल देते हैं और वह इकट्ठी होती रहती है, सूर्य की रोशनी धूप उस पर लगती रहती है, बारिश होती है वह भी उसके ऊपर गिरती रहती है, ऐसी स्थिति में इस गोबर की खाद में पोषक तत्व बहुत कम हो रह पाते हैं,
पोषक तत्वों का ह्रास है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी गोबर की खाद पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती है, तो ये गोबर की खाद तैयार करने का सही तरीका नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही तरीका है, गोबर की खाद किस तरह से तैयार करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गोबर की खाद के क्या मुख्य अवयव हैं। तो आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में भी, सबसे पहले पहला अवयव है इसका डंग यानी गोबर, दूसरा यूरिन यानी पशुमूत्र, तीसरा है लीटर यानी पशुओं के नीचे जो बिछावन काम में लेते हैं जिस पर आराम से पशु बैठते हैं और जो भी पशु मूत्र है वह ये बिछावन है सोख लेती है, तो वह भी उठाकर और खाद में मिला देते हैं। और चौथा अवयव है लेफ्ट ओवर फीड और रफेज यानी पशुओं को जो चारा डालते हैं वह चारा शेष जो बच जाता है वह भी उठा के और इस गोबर और पशु मूत्र और लीटर के साथ मिला के और डाल दिया जाता है। तो ये चार मुख्य अवयव हैं गोबर की खाद के। अब इसका संगठन क्या है, संगठन कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तो ये है कि किस तरह के पशु का गोबर काम में लिया जा रहा है, जैसे गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, घोड़े का गोबर है, बकरी या भेड़ की मेंगनी है या मुर्गी का मुर्गी की बीट है, तो इनमें अलग अलग पशु के गोबर में अलग अलग मात्रा होती है पोषक तत्वों की। इनका मैंने उदाहरण दिया है, मुर्गी की बीट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, दूसरे नंबर पर भेड़ और बकरी की जो मेंगनी है वह आती हैं, तीसरे नंबर पर फिर ये पशुओं का जो कैटल अपन बोलते हैं गाय वगैरह हैं भैंस हैं इनका इनके गोबर का में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा आती है। तो जो संगठन है फार्मयार्ड मैन्योर का वह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का कौन से पशु का गोबर काम में लिया गया है, दूसरा उस पशु की क्या उम्र है और क्या स्थिति है उसकी। उदाहरण के लिए जैसे बछड़े और बछड़ियां हैं छोटी उम्र के हैं तो उनमें उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनमें जो भी उनको चारा डालते हैं तो उस चारे में से जो पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके गोबर में पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। जबकि जो पशु दूसरा है जैसे बैल है, बैल जुताई के काम में लेते हैं तो वह पोषक तत्वों को उतनी मात्रा में नहीं ले पाता है, उसके गोबर में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। परंतु दुधारू पशु है, दुधारू पशु पोषक तत्वों को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है तो उसके गोबर में पोषक तत्व कम होते हैं। तो इस इन पर भी ये निर्भर करता है पोषक तत्व कितने हैं उसमें, किस तरह का कार्य लिया जा रहा है उस पर। जैसे मैंने बैल का उदाहरण दिया, बैल जुताई के काम में आता है तो उसके वह पोषक तत्वों को ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाता है और उसके गोबर में पोषक तत्व ज़्यादा रह जाते हैं। जबकि गाय है वह दुधारू होने की वजह से वह पोषक तत्वों का ज़्यादा अवशोषण करती है और उसके गोबर में पोषक तत्व कम होते हैं। किस तरह का उसको चारा दिया गया है, मान लो कंसंट्रेट दिए हैं ज़्यादा तो कंसंट्रेट्स में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके गोबर में भी ज़्यादा पोषक तत्व होंगे। फिर किस तरह का लीटर काम में लिया, बिछावन कैसे काम में, जैसे लकड़ी का बुरादा काम में लेते हैं तो उसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। यदि पत्तियाँ लेग्यूमिनस क्रॉप्स की और इस तरह से पत्तियाँ काम में लेते हैं उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं तो उस वह लीटर किस तरह का काम में लिया जा रहा उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और इस गोबर को किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, ये सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है उसके ऊपर भी पोषक तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। हो सकता है कि अच्छी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि
आजकल गाँव में जो गोबर का खाद तैयार करते हैं वह बहुत सही तरीके से नहीं करते हैं और उसमें पोषक तत्वों का हर्ष है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें पोषक तत्व बहुत कम रह जाते हैं, वह अच्छे गोबर का खाद नहीं बन पाता है और पूरी तरह से सड़गल नहीं पाता है। पूरी तरह से सड़ने गलने के वजह से क्या होता है, जैसे पशुओं को चारा देते हैं उसमें खरपतवार भी होते हैं और खरपतवार के बीज हैं वह गोबर के माध्यम से आ जाते हैं गोबर के खाद में, और जहाँ सड़न गलन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इस तरह के गोबर के खाद को खेत में डाला जाता है तो उसमें पहली बात तो दीमक बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि वह सड़ागड़ा नहीं होता है, दूसरी बात उसमें खरपतवार के बीज होते हैं तो खेत में खरपतवार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अब अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से गोबर का खाद तैयार किया जाए, किस विधि से गोबर का खाद तैयार किया जाए जिससे कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये मैं अभी तक का रिपीट किया है। अब मैं आपको इस लेक्चर में पहली बार बता रहा हूँ कि किस तरह से गोबर का खाद तैयार किया जाए, तो उसके लिए सीएन आचार्य ने गोबर का खाद तैयार करने के लिए गड्ढा विधि अपनाने की सिफारिश की कि यदि गड्ढा विधि से गोबर का खाद तैयार किया जाए तो उस गोबर के खाद में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। उन्होंने बताया कि गड्ढे की साइज है 15 से 20 फीट चौड़ी, 15 से 20 फीट लंबी, 5 से 6 फीट चौड़ी और 3 से 3.5 फीट गहरी होनी चाहिए, और ये जो गड्ढे हैं ये ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यदि पशु संख्या 3-4 ही हैं, 3 से 5 भी हैं तो ऐसी स्थिति में 2 गड्ढे पर्याप्त हैं, यदि पशु संख्या ज़्यादा है तो उसमें 3 गड्ढे बनाए जा सकते हैं, 4 गड्ढे बनाए जा सकते हैं, परंतु जो साइज़ है गड्ढों की वह बिल्कुल ऑप्टिमम साइज यही है कि 15 से 20 फीट लंबी, 5 से 6 फीट चौड़ी और 3 से 3.5 फीट गहरी, ये साइज होनी चाहिए। गड्ढा तैयार करने के बाद में सबसे पहला काम ये है कि जो पशु हैं उनके नीचे बिछावन जरूर डालनी चाहिए, प्रत्येक पशु के नीचे लगभग 4.5-5 किलो जो बिछावन है वह शाम के टाइम डाल देनी चाहिए जिससे कि वह आराम से बैठ पाए उस पर, और जो भी पशु मूत्र है वह पशु मूत्र जो करता है वह बिछावन द्वारा सोख लिया जाता है। अब सुबह जो गोबर है, बिछावन है और चारा बचा हुआ है उसके साथ साथ ऊपर की जो मिट्टी है उसको भी साथ में ले लेते हैं, और जो ये गड्ढा बनाया है उस गड्ढे का लगभग 3 फीट लंबा भाग है उसमें भरना शुरू करते हैं, इसको टेम्परेरी यहाँ कोई लगा लेते हैं, छट्टियाँ वगैरह लगा लेते हैं जिससे कि ये रुकावट हो जाए टेम्परेरी, और 3 फीट लंबा इसका इसको भरते हैं, और जब ये सतह से, ये जमीन की सतह आ गई, सतह से लगभग 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर चला जाए उस वक्त गोबर और मिट्टी को मिलाकर इसके ऊपर लेप कर देते हैं। लेप करने का अर्थ ये हुआ कि अब इसमें तापमान का असर कम से कम होगा, अब इसके अंदर अंदर ही अंदर तापमान भी बढ़ेगा, बाहर के तापमान का असर कम होगा, अंदर तापमान बढ़ेगा और जो गलने सड़ने की प्रक्रिया है वह आरंभ हो जाएगी। ये भाग भरने के बाद में दूसरा भाग भरते हैं, तीसरा भाग भरते हैं, इस तरह से 3-3 फीट लंबे करके और पूरे गड्ढे को भर लेते हैं। 3 से 4 पशु होते हैं तो एक गड्ढा भरने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं,
इसके बाद में दूसरे गड्ढे में डालना शुरू कर देते हैं और इसको 3 महीने के बाद में ये खाद गड्ढे का तैयार हो जाता है। अब 3 महीने के बाद में इसको गड्ढे में से निकाल के और एक जगह ढेर के रूप में इकट्ठा कर देते हैं और कुछ नमी कम होती है, नमी कम की कमी होती है तो उस स्थिति में पानी का छिड़काव हल्का सा कर देते हैं। इस तरह से ये खाद 3 महीने में जो तैयार होता है उसमें लगभग 0.7 से 0.8% फ्रेश में, ताज़ा में नत्रजन की मात्रा होती है और सुखाने पर इसमें नत्रजन की मात्रा 1.4 से 1.5% हो जाती है। और इस तरह से जो खाद तैयार करते हैं वह एक पशु से एक वर्ष में 250 से 300 घन फीट गोबर का खाद तैयार हो जाता है जिसका वजन लगभग 5 से 6 टन होता है। तो इस तरह से गोबर का खाद तैयार करते हैं। साधारण गोबर का खाद है उसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा कम होती है। इस तरह से जो गोबर का खाद करते हैं तैयार करते हैं उसमें नत्रजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये गोबर का खाद है ये काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से पैदावार में वृद्धि होती है। अब कंपोस्ट किस तरह से तैयार करते हैं, देखो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में पहला उदाहरण आपको मैंने दिया था गोबर का खाद, दूसरा उदाहरण दिया था कंपोस्ट। FIM को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से परिभाषा दे सकते हैं? गोबर का खाद पशु के गोबर, मूत्र, बिछावन और बचे हुए चारे को सड़ने गलने की प्रक्रिया से जो तैयार होता है वह गोबर का, उसे गोबर का खाद कहते हैं। कंपोस्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? कंपोस्ट भी सड़ा गला खाद ही है परंतु यहां पर इंग्रेडिएंट्स अलग हो गए कंपोस्ट में। कंपोस्ट में फार्म प्रोडक्ट्स या सिटी रिफ्यूज, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में काम में लिया जाता है और उसको फिर सड़ाया गलाया जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सड़ा गला खाद है जो कि फार्म वेस्ट या सिटी रिफ्यूज के साथ स्टार्टर डाल के माइक्रोबियल प्रोसेस जो कि एरोबिक और एनोरोबिक वायवीय या अवायवीय हो सकती है उसके द्वारा गलने सड़ने पर तैयार होता है। तो ये कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट को भी जैसा कि मैंने बताया कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वह इकट्ठा करने के लिहाज से 2 भागों में बांटा जा सकता है, विलेज कंपोस्ट जिसको रूरल कंपोस्ट भी बोलते हैं और टाउन कंपोस्ट जिसको अर्बन कंपोस्ट भी बोलते हैं। विलेज कंपोस्ट और टाउन कंपोस्ट में सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स का ही डिफरेंस है। इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स, अवयव कौन से काम में लेते हैं इसमें, जैसा कि मैंने बताया विलेज कंपोस्ट है इसमें फार्म की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फसल के अवशेष हैं जैसे क्रॉप रेजिड्यूज हैं, डंठल हैं, जो कॉटन स्टॉक्स हैं जैसे सुगर केन ट्रेस है, सुगर केन लीव्स हैं और पौधे का ऐसा भाग जो किसी काम में नहीं आता है वह, प्लस खरपतवार हैं, घास हैं, हेज की क्लिपिंग्स हैं। तो इस तरह का जो फार्म का वेस्ट प्रोडक्ट है वह सारा का सारा इसमें काम आ जाता है। टाउन कंपोस्ट में जो शहर का कचरा है वह काम में लिया जाता है। तो इसमें जो घरों की सब्जियों का छीलन है, बचे हुए भाग हैं, झाड़ू से जो कूड़ा करकट शहर का इकट्ठा होता है वह है, सीवेज है, स्लज है, वह सारा का सारा
अर्बन कंपोस्ट में काम में लिया जाता है। फिर एक स्टार्टर, स्टार्टर यानी जो सड़ने गलने की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, तो स्टार्टर के रूप में इसमें काउडंग काम में लिया जाता है, इसमें नाइट सॉइल काम में ली जाती है। नाइट सॉइल यानी मानव विष्ठा, मानव विष्ठा काम में ली जाती है टाउन कंपोस्ट में, और इसमें गाय का गोबर काम में लिया जाता है। तो ये जो मेथड है विलेज या रूरल कंपोस्ट बनाने की, इसको इंदौर मेथड बोलते हैं, इंदौर मेथड। ये किसने दी थी? हावर्ड और वार्ड ने, ये दो साइंटिस्ट हावर्ड और वार्ड ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर, यहाँ पर इन्होंने ये मेथड डिवाइस की, ये डेवलप की मेथड कि किस तरह से किसान खेत के कचरे को गला सड़ा के और अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर सकता है। और ये जो इन्होंने प्रोसेस दी है ये एरोबिक प्रोसेस है डिकम्पोजिशन की, यानी इसमें वायवीय जीवाणु हैं वह सड़ाने गलाने का काम करते हैं, वायु की उपस्थिति इसमें आवश्यक है, और इसमें कुछ मात्रा गाय के गोबर की थोड़ी सी मात्राएं काम में ले जाती है वो स्टार्टर के रूप में। इस ये क्या है, माइक्रोब्स के लिए, ये माइक्रोब्स गाय के गोबर से मिलते हैं इसमें, इसलिए इसको स्टार्टर के रूप में काम में लेते हैं। इसी तरह से जो टाउन या अर्बन कंपोस्ट का प्रोसेस है इसको बेंगलोर मेथड बोलते हैं, बेंगलोर मेथड। ये सीएन आचार्य ने दी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में इस मेथड को डेवलप किया, और सीएन आचार्य ने ये मेथड बताई कि किस तरह से शहर का कचरा को गला सड़ा के और बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जा सकता है। ये इंदौर मेथड एरोबिक है, ये अनएरोबिक है, ये एवायवीय प्रोसेस है, इसमें जो जीवाणु सड़ाने गलाने का काम करते हैं वह एवायवीय दशा में पनपते हैं। फिर जैसे मैंने इसमें बताया कि काउडंग स्टार्टर के रूप में काम में लेते हैं, इसमें नाइट सॉइल है, मानव विष्ठा है, ये स्टार्टर के रूप में काम में लेते हैं। दोनों ही जो मेथड हैं कंपोस्ट बनाने की, उनमें ट्रेंचेज बनाई जाती हैं, मतलब खाइयों में ये कंपोस्ट तैयार किया जाता है, चाहे इंदौर मेथड हो चाहे बेंगलोर मेथड हो। इंदौर मेथड में जो हावर्ड और वार्ड ने दी है उसमें ट्रेंच की साइज उन्होंने 30 फीट लंबी, 14 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी सजेस्ट की है, और हर ट्रेंच के बीच में 12 फीट की जगह होनी चाहिए जिससे गाड़ी है वह आने जाने के लिए रास्ता हो। और चूंकि ये वायवीय प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में बदलना पड़ता है, टर्निंग करनी पड़ती है जिससे हवा का आवागमन होता रहे, और ये प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है डिकम्पोजिशन की, तो ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन की जारी रहे। जबकि बेंगलोर मेथड में ट्रेंचेज तो इसमें भी काम में लेते हैं, और इसमें जो ट्रेंचेज हैं उनकी साइज है वह शहर में आबादी के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जितनी आबादी होगी उतना ही ज़्यादा कचरा इकट्ठा होगा, और जितना ज़्यादा कचरा होगा उसी तरह से साइज ट्रेंचेज की बनानी पड़ेगी। तो इसमें जनसंख्या के, शहर की या कस्बे की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी साइज की ट्रेंच बनाएं, और इसमें बदलना नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है कंपोस्ट को, एक बार जो तैयार कर दिया वैसे ही रहने दिया जाता है। अब इंदौर मेथड में जब ये पूरी भर जाती है, जैसे मैंने बताया, भरने का तरीका भी मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो जो विलेज वेस्ट है, जैसा मैंने बताया प्लांट्स की रेजिड्यूज हैं, पत्तियां हैं, डंठल हैं, यदि मोटे डंठल हैं उनको तोड़ के और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो उन सब को एक तय के रूप में नीचे, खाई के नीचे बिछा दिया जाता है, और इसकी मोटाई
लगभग 10 से 12 इंच रखते हैं और उसके ऊपर पानी में मिला के गोबर का खाद है वो अच्छी तरह से घोल है बना के उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, जिससे पूरी नमी रहे और गोबर है वह नीचे तक छट्टियों में पहुंच जाए, कचरे में नीचे तक पहुंच जाए। तो इतनी ज़्यादा पानी भी नहीं डालते हैं कि जो बह के नीचे चला जाए, वह सारा का सारा वह जो कचरा है वह सोख ले। इतना पानी मिला के और गाय के गोबर में उसको डाल देते हैं। उसके बाद में फिर एक लेयर लगाते हैं और इस तरह से लेयर लगाते लगाते जब ये सतह से 1 फुट ऊंची हो जाए, उस वक्त गाय का गोबर और मिट्टी मिला के और इसके ऊपर लेप कर देते हैं और गुंबद के आकार का डोम शेप्ड बनाते हैं। गुंबद के आकार का बनाने का ये अर्थ है कि बारिश भी वगैरह होती है तो वैसे नहीं कि उसके अंदर चली जाए, वह ढड़क के साइड में चली जाती है, जिससे कि पोषक तत्वों का नुकसान नहीं हो। और इसके बाद में 2 सप्ताह के बाद में उसको पलट देते हैं और पलटते इस तरह से हैं कि आधा गड्ढा है उसका जो मेटेरियल है वो दूसरी तरफ आ जाए, और फिर 4 सप्ताह के बाद में उसको फिर पलट देते हैं और 8 सप्ताह के बाद में उसको सारे को इकट्ठा करके और ऊपर रख देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब जब पानी की जितनी आवश्यकता पड़ती है उतनी पानी की मात्रा इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से 3 महीने के बाद में ये खाद तैयार हो जाता है, सड़गल के तैयार हो जाता है। और जब ये खाद तैयार होता है तब इसका रंग है वह गहरा भूरा या काले रंग का होता है, और इस तरह का खाद है उसमें नमी भी रहती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा 1% नत्रजन, 0.5% फास्फोरस और 3% पोटाश, लगभग इतनी मात्रा हो जाती है। तो ये कंपोस्ट है, ये गोबर की खाद से ज़्यादा गुणवत्ता पूर्वक होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। जो बेंगलोर मेथड मैं आपको बताया था उसमें चूंकि मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंच की साइज है ये शहर की या कस्बे की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है, और यदि किसी कस्बे की या शहर जनसंख्या 10,000 से कम है तो उसमें 20 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3.5 फीट गहरा गड्ढा है वो पर्याप्त रहता है। यदि जनसंख्या 10,000 से 20,000 है तो इसमें 25, 7 और 4, 20 से 30,000 है तो 30 फीट 8 फीट और 4 फीट, 30 से 50,000 है तो 35 फीट 8 फीट और 4 फीट, और 50,000 से ज़्यादा है तो 40 फीट 9 फीट और 4 फीट। परंतु इससे ज़्यादा गड्ढा है बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट रहता है, उसमें मटेरियल उठाने में डालने में समस्या आती है। इसलिए 40 फीट 9 फीट और 4 फीट लंबाई चौड़ाई और गहराई से ज़्यादा आकार का गड्ढा नहीं होना चाहिए बेंगलोर विधि में। और इसमें जो शहरी कचरा है उसकी 9 इंच मोटी तय सबसे पहले बिछा देते हैं, उसके ऊपर 3 इंच मानव विष्ठा है वह डाल देते हैं, और फिर 9 इंच जो शहरी कचरा है वह, और फिर 3 इंच मानव विष्ठा। इस तरह से ये जब जमीन की सतह से 1 फुट ऊंची हो जाती है तो लास्ट में इसमें शहरी कंपोस्ट डालते हैं, शहरी कचरा डालते हैं, शहरी कचरा डालते हैं और उसके ऊपर 1 इंच मोटी मिट्टी की लेयर लगा देते हैं और उसमें पानी छिड़क देते हैं, जिससे ये जो अवायवीय दशा उत्पन्न हो जाती है। और इसके बाद में लगभग 5 से 6 दिन बाद में इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये 70 डिग्री तापमान 3 से 4 सप्ताह तक रहता है, और इतना हाई टेम्परेचर जब रहता है तो उस स्थिति में जो भी इसमें पैथोजन्स हैं, जो भी कीटाणु हैं मानव विष्ठा की वजह से, वो सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और इसमें उल्टना पलटना नहीं पड़ता है, क्योंकि
अवायवीय दशा उत्पन्न हो जाती हैं। अवायवीय जो जीवाणु हैं वह इसमें सड़ाने गलाने का काम करते हैं, इसलिए लगभग 4 महीने के बाद में ये खाद तैयार हो जाती है। और जब ये खाद तैयार होती है इसमें नमी की मात्रा 30 से 40% रहती है और 1% नाइट्रोजन रहती है। और इस जो खाद है इसमें किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आती है, क्योंकि मानव इष्टा काम में लेते हैं तो इसलिए डिकम्पोजिशन उसका पूरी तरह से हो जाता है, तो किसी भी तरह की दुर्गंध इसमें नहीं आती है और बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है ये। तो इस तरह से ये दो विधि आपको मैंने, बेंगलोर विधि और इंदौर विधि, दोनों बताई। इनका आप तुलनात्मक भी मैंने साथ साथ बताया कि किस विधि में क्या स्टार्टर काम में लेते हैं, कौन सा रिफ्यूज काम में लेते हैं, किन कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो इनका आपस में कंपैरिजन, कई बार परीक्षा में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंदौर मेथड एंड बेंगलोर मेथड, या इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड कंपोस्ट बनाने की जो विधियां हैं उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप अंतर भी लिख सकते हैं, कोई एक मेथड पर सॉल्ट नोट आ जाए तो सॉल्ट नोट भी लिख सकते हैं। तो ये कंपोस्ट बनाने की तरीका है, ये आपको बताया। आज बस इतना ही, धन्यवाद।